गुजरात के सीएम थे तब उन्होंने 42% एफडीआई लाने पे सेंट्रल गवर्नमेंट का विरोध किया था, और वही मोदी जी अब सेंटर में आके 100% एफडीआई ला के देश के व्यापारियों का गला दबा देना चाहते हैं। इस देश में ऐसी लहर चल रही है कि लोग पकौड़े और चाय की बात के अलावा यही रोड पे बैठ के ये देखेंगे और मोदी जी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। भाई मेरा नाम कृष्ण पाल सिंह, देखिए पहले नोटबंदी, फिर एफडीआई, अब सीलिंग, देखिए दिल्ली का व्यापारी हाय हाय कर रहा है, सब बर्बाद कर दिया हमने। नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी जी होश में आओ, जनता रोड पर खड़ी है। मैं करोल बाग से हूँ, मैं एमसीडी से पूछना चाहता हूँ, 1386 करोड़ रुपया पिछले 10 सालों में आया था, वो पैसा कहाँ खर्च हुआ, उसका हमें हिसाब चाहिए। उसके बाद आप हकदार बनते हैं कन्वर्जन चाय बांटने का, इससे पहले एक चवन्नी फूटी कौड़ी भी किसी को नहीं मिलेगी, चाहे मोदी हो चाहे मोदी का बाप हो। मैडम आपका नाम? बहुत अच्छे सर। मैडम सिर्फ इतना कहना है कि जब अमेरिका के मुकाबले कब्जे होते हैं तब तो उनको मौका नहीं जाता है, चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन अब क्योंकि 15 साल के बाद 10 साल के बाद इनको अमेरिका में नजर आ रहा है जीएसटी, और जितना भी आपको नोटबंदी के बाद बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, अब लोगों सेट हो चुके हैं सीलिंग के नाम पर, उनको बेरोजगार किया जा रहा है। आप रोजगार तो दे नहीं रहे, आप उनको बेरोजगार कर रहे हैं, तो ये सीलिंग ही हटा लीजिए, तो आप सीलिंग करिए, उनको करने ही मत दो ना। अख्तर सिंह जी, आप यहाँ आए हैं एफडीआई को लेकर, एमसीडी को लेकर, आपकी क्या मांग है सरकार से? सर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जब से ये केंद्र सरकार आई है सबसे पहले ये नोटबंदी लेकर के आई, नोटबंदी में व्यापारी मारा गया, दूसरे इसके बाद में जीएसटी लेकर के आई, जीएसटी में दुकानें ठप हो गई लोगों की, जीएसटी में दुकानें इतनी ठप हो गई लोगों का रोजगार बंद हो गया, गरीब आदमी मर जा रहा है, बिल्कुल, उसके बाद में गरीब आदमी मरता जा रहा है, और दुकान छोटी दुकान छोटे छोटे व्यापारी हैं पूरी तरह से मरते जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग लाइन का उसके बाद में जीएसटी के बाद में आप जो है फिर सीलिंग लेकर के आए, दुकानों को बंद करा जा रहा है सीलिंग के नाम पे, कि भाई सीलिंग का ये चार्ज दो और ये पर दिए दो वो दो, ऐसा लेकर के इन्होंने पूरा जो है बीजेपी के जो विधायक ले रहे हैं काउंसिलर, उन्होंने अपनी जेब भरी है पैसा ले लेकर के, और उसके बाद सीलिंग के बाद में भी उससे भी इनका पेट भी भरा, तो अब ये आज एफडीआई लेकर गए जो 100% एफडीआई है। एफडीआई से क्या नुकसान है? देखिए जब पूरा व्यापार विदेशों के हाथों में पहुंच जाएगा तो यहाँ का जो व्यापारी है छोटा व्यापारी वो क्या काम करेगा, या तो छोटे छोटे व्यापारी है छोटे छोटे उद्योग है उनका तो पूरा व्यापार ठप हो जाएगा, यहाँ पूरा व्यापार ठप होने के लिए। आपका नाम सर? मेरा नाम फूल है। बीजेपी जो आज ये कदम उठा रही है, इस कदम से जो है हमारे व्यापारी वर्ग जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। देखिए एक तरफ तो ये कन्वर्जन ले रहे हैं और दूसरी तरफ ये हॉस्टेक्स भी ले रहे हैं, हॉस्टेक्स उस मकान का भी ले रहे हैं जिसमें दुकान भी है, दुकान प्लस जो हॉस्टेक्स पूरा ही, पहले हॉस्टेक्स पर पे करो फिर बाद में उसके बाद जो है आप जो है कन्वर्जन भरेंगे, लेकिन जिस दुकान के अंदर गोदाम ऊपर बना रखा था वो ये कह रहे हैं उस गोदाम का पहले हॉस्टेक्स जमा करो फिर उस गोदाम का कन्वर्जन भी जमा करो। आप ये देखिए कि व्यापारियों से कितना जो है ये छल कर रहे हैं, ये कितना परेशान कर रहे हैं व्यापारियों को। आज के टाइम में हर एक व्यापारी रोड पे आ गया है, किसी के पास कोई खर्चे का हिसाब नहीं है, किसी का किताबी कागजी कार्रवाई जो है इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है इन्होंने जिससे व्यापारी बहुत ज़्यादा दुखी है, और व्यापारी जो है आज के टाइम में एक आत्महत्या उसने देहरादून में करी है ट्रांसपोर्टर ने, दूसरी आत्महत्या यहाँ पर दिल्ली में लोग करेंगे एक सिर्फ बीजेपी की वजह से, जो आज इन्होंने इतना परेशान कर दिया है, निगम के पार्षदों की नहीं चलने दे रहे हैं, किसी अफसर की नहीं चलने दे रहे हैं, सिर्फ अपनी चला रहे हैं, जितने भी मेयर बैठे हुए हैं बीजेपी में सारे चोर हैं, ये सारे परेशान कर रहे हैं जनता को लेके। आम आदमी पार्टी कुछ काम करना चाहती हो तो ये काम नहीं करने देंगे, काम पकड़ के खींचेंगे, नहीं ये ऐसा नहीं होना है, ये ऐसा नहीं होना, क्यों इन्होंने अपनी सत्ता चलानी है और कुछ नहीं करना है इन्होंने सिर्फ पब्लिक को परेशान करने के अलावा।